Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Sciences Specialist. आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि क्लिनिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, या इसको बोलते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, दोनों नाम से बोलते हैं हम लोग। देखिए, ये हम लोग क्यों कराते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेना होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी दो तरह से करते हैं, एक करते हैं हम लोग क्या ट्रांस अब्डोमिनल, यानी करते क्या है ट्रांस अब्डोमिनल में क्या करते हैं कि यहाँ से जो ट्रांसड्यूसर जो होती है ना, ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर अब्डोमेन के सरफेस पर वहाँ पर क्या करते हैं एक हाइड्रोफिलिक जेल लगा करके, अब तो हम लोग क्या करते हैं अंदर के पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हाइड्रोफिलिक यहाँ पर ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर रखते हैं भेजाना के अंदर इंसर्ट करके, अब तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग अंदर के पार्ट का हम लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर कि हम लोग अब्डोमेन के सरफेस से अब्डोमेन ट्रांस अब्डोमिनल हम लोग क्या करते हैं इवेज करते हैं। ये क्या हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं विजाइना के सहारे उसके कैनाल में ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट करके अब तो हम लोग क्या करते हैं इमेज लेते हैं। तो दो तरह से हम लोग करते हैं। अब यहाँ जो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रांस विजाइनल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, हमें अगर ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी अगर करते हैं तो हमें कोई भी ऑर्गन के बारे में, चाहे यहाँ पे विजाइनल कैनाल में बर्थोलिन के बारे में, या बर्थोलिन के बारे में, सर्विस के बारे में, यूट्रस के बारे में, या फिर फिलोपियन ट्यूब के बारे में, या फिर ओवरी के बारे में, या फिर यहाँ पर फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए, यानी जितना भी हम करेंगे ना ये सब में क्या होगा मेरे ऑथेंटिक रिपोर्ट आ जाएगी। वही अगर हम ट्रांस अब्डोमिनल करते हैं अगर सपोज दैट, तो वहाँ अब्डोमिनल सरफेस प्लस पेरिटोनियम अब्डोमिनल सरफेस में फैट का लेयर यह सब क्या करती है कि इस ऑर्गन के इमेज में इंटरफेयर करेगी। तो हमें क्या है कि सही सही अगर हमको रिपोर्ट लेना अगर होगा पेल्विक एरिया के लिए तो हमें ट्रांसविजाइनल करना पड़ेगा। और प्लस कुछ ऐसा भी होता है लिमिटेशन होती है, जैसे बर्थोलिन डिजीज के बारे में, सर्विस डिजीज के बारे में सही सही रिपोर्ट हमें ट्रांस अब्डोमिनल नहीं मिलती है। याद रखना इस बात को हमें कि ट्रांस अब्डोमिनल में हमें सही सही रिपोर्ट सर्विस के बारे में भेजा जाती है, यहाँ पर बर्थोलिन के बारे में, या फिर पाउच ऑफ डोगलस के बारे में, इसको क्या बोलते हैं पाउच ऑफ डोगलस POD बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिनियम कहते हैं पेरिनियम, यह एनस है या रेक्टम है, यहाँ पर कोलोन का पार्ट हो गया, यहाँ पर ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यहाँ पर सॉरी यूट्रस है, इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा है, एब्डोमेन का सरफेस हो गया। ये जो ऑर्गन जो हम देख रहे हैं इस ऑर्गन को सही सही जानकारी करने के हमें करना पड़ेगा TVS। यह जो डायग्नोसिस होती है फीमेल में करते हैं पहली बात है, इसके लिए हमें ऐसे तो कभी भी पेशेंट को लग सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट होती है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद में इसको जो होता है ना इसको प्रोसीजर कराते हैं। अब चलते हैं बात लोग पर्पस के बारे में। इसका दो पर्पस होता है, एक होता है ऑब्स्टेटिक पर्पस और दूसरा होता है गायनेकोलॉजिकल पर्पस। ऑब्स्टेटिक पर्पस में क्या होती है, देखिए जब इम्ब्रियो यूट्रस में जब डेवलप करता है, यहाँ पर इम्प्लांट करता है, तो अब क्या होता है कि इस इम्ब्रियो को सही जानकारी रखने के लिए आठ वीक से पहले इम्ब्रियो के बारे में सही जानकारी करने के लिए, उसके इम्प्लांटेशन साइट को जानने के लिए हमें TVS करना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर बाय द वे कोई प्रेग्नेंट फीमेल में अगर 6th वीक या 7th वीक में अगर बाय द वे ब्लीडिंग अगर होने लगती है तो उस कंडीशन में भी हम TVS कराते हैं। तो TVS ऑब्स्टेटिक में दो कंडीशन में कराते हैं, या ब्लीडिंग होने लगता है तब, या फिर गेस्टेशनल सेक को सही जानकारी करने के लिए। लेकिन कब करेंगे, 8 वीक से पहले। अगर ऑब्स्टेटिक में 8 वीक से पहले हमें इसको करना होगा, उसके बाद हम इसका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का इंपोर्टेंस ऑब्स्टेटिक में नहीं करेंगे। अब गायनेकोलॉजिकल में कहाँ पे करते हैं, गायनेकोलॉजी में कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। देखिए गायनेकोलॉजी में अगर हम TVS करते हैं तो हमें पाउच ऑफ डोगलस, वजाइना और प्लस पेल्विक ऑर्गन के बारे में हमें सही जानकारी रखने के लिए हमें TVS करना पड़ेगा। अब वन बाय वन करके हम चलते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा TVS में। तो इतना तो मालूम हो गया कि TVS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग वजाइना के सहारे ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट करके आता हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले नंबर वन जो होता है बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में, बर्थोलिन सिस्ट है या बर्थोलिन ट्यूमर है, बर्थोलिन ग्लैंड में इंफ्लामेशन है, इसको जानने के लिए हमें TVS कराना पड़ेगा।
ये जो होती है दूसरे कोई मेथड नहीं होती है। तो नंबर वन सबसे इंपोर्टेंट क्या बोले, बर्थोलिन सिस्ट या बर्थोलिन ट्यूमर, बर्थोलिन इन्फेक्शन। नंबर टू, वेजिनिस्मस को जानने के लिए या वेजिनाइटिस को जानने के लिए हमें टीवीएस कराना पड़ेगा। नंबर थ्री, स्किनस ग्लैंड में अगर ट्यूमर डेवलप होता है, स्किनस ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप होती है, उसके लिए हमें टीवीएस कराना पड़ेगा। अगला कंडीशन नेबोथियन सिस्ट, नेबोथियन सिस्ट जो होती है सर्विस के माउथ पर डेवलप होती है, सर्विक्स में। नेबोथियन सिस्ट को जानने के लिए हमें टीवीएस कराना पड़ेगा। नेबोथियन सिस्ट जो होती है वो सर्विस के ग्लैंड से वो सिस्ट डेवलप कर जाती है। अगला कंडीशन सर्विक्स इरोजन, जब सर्विक्स के पार्ट में जब वहां पर जो सेल जो होती है उसका नेचर चेंज कर जाता है, जहां पर स्क्वामस सेल के जगह पर वहां पर कॉलोनर पे थी उसका माइग्रेशन होती है, तो इसको हम सर्विस इरोजन बोलते हैं। इसके लिए हमें टीवीएस कराना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्वाइकल पॉलिप, सर्विक्स में पॉलिप जो हो जाती है, यहाँ पर क्या होती है सर्विक्स में पॉलिप डेवलप हो जाती है। सर्विक्स पॉलिप मतलब छोटा सा पेडंकुलेटेड वहां पे मास बन जाती है, उसी को बोलते हैं सर्विक्स पॉलिप बोलते हैं। इसको हम लोग जानने के लिए हमें सर्विक करना पड़ेगा इसे। अगला सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में अगर बाय द वे फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज कैंसर होती है, उसके लिए हम टीवीएस से हम जान पाते हैं कि उसमें सर्विक्स में कोई कैंसर डेवलप किया है कि नहीं। नेक्स्ट सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस में सर्विस में कोई इन्फ्लामेशन है, इसके लिए भी हम टीवीएस कराते हैं। नेक्स्ट सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, सर्वाइकल लेंथ को जानने के लिए, जैसे सर्वाइकल लेंथ अगर कम रहेगा तो इस केस में क्या होगी, एवर्सन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, हैबिचुअल एवर्सन होती है ज़्यादा, तो इसको जानने के लिए हम लोग सर्विकल लेंथ को जानने के लिए हमें टीवीएस कराना पड़ता है। सर्वाइकल लेंथ बता दिया आपको कि 2.5 सेंटीमीटर से कम रहने पर सब हैबिचुअल एवर्सन होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट अगर सर्विस का लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मल लेबर होने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे सर्विस लेंथ को जानने के लिए भी हमें लेंथ बड़ा रहेगा तब भी छोटा रहेगा तब भी, इसके लिए हमें कराना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला कंडीशन यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम में पॉलिप अगर बाई डेवलप हो जाता है, तो इंडोमेट्रियम पॉलिप, इंडोमेट्रियम में पॉलिप बनने के को हम लोग उसके लिए भी हम लोग टीवीएस कराते हैं। नेक्स्ट इंडोमेट्रियम में कोई कैंसर डेवलप कर जाता है, जो कि ज़्यादातर एडवांस एज में कैंसर होती है, तो यूट्रस के इंडोमेट्रियम कैंसर को जानने के लिए भी हम टीवीएस कराते हैं। नेक्स्ट फाइब्रॉयड, यूट्रस में फाइब्रॉयड बन जाता है, फाइब्रॉयड तीन वैरायटीज का होता है फाइब्रॉयड, सब सीरस, इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल और सब म्यूकस। तीनों फाइब्रॉयड जो होता है अलग अलग तरह का होता है, तीनों फाइब्रॉयड का कॉम्प्लिकेशन अलग होता है और तीनों का कॉम्प्लिकेशन भी अलग होती है। तो जो सब सीरस होती है उसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होती है, इंट्राम्यूरल में कॉम्प्लिकेशन थोड़ा होता है, और सब म्यूकस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। और इसमें फाइब्रॉयड का जब तक हम ये नहीं देख पाएंगे कि तीनों में किस जगह पे फाइब्रॉयड है, तब तक हम सही इलाज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें टीवीएस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन यूट्रस का सही सही पोजीशन जानने के लिए, नॉर्मल में जैसे एंटीवर्टेड होती है और रेक्टोवर्टेड है या रेक्टोफ्लेक्शन में है, इसके जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीवीएस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला कंडीशन ओवरी में, ओवरी के फॉलिकल को देखने के लिए हमें या रियल में सिस्ट को जानने के लिए हमें टीवीएस कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस फॉलिकल का सही सही जानकारी हमें टीवीएस से मिलता है, ट्रांस अब्डोमिनल से सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। ओवेरियन सिस्ट को जानने के लिए, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट में जब तक सिस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्ट एक तरह का नहीं होता है, थीकल सिस्ट, लुटियल सिस्ट, स्टोमल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, सीरम म्यूक्सिनस सिस्ट, डर्माइड सिस्ट, कई तरह का सिस्ट होता है ओवरी में। जब तक हमको नहीं मालूम होगा इसके बारे में, तब तक हम दवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब सिस्ट का अलग अलग दवा होता है, याद रखिएगा। जितने भी सिस्ट होती है उसका एक जैसा इलाज नहीं होती है, अलग अलग सिस्ट के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। कहीं पे हम लोग एपिस्मेल का यूज़ करते हैं, कहीं पे धूजा का यूज़ करते हैं, कहीं पल्स अटला का यूज़ करते हैं। जब तक हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फिलोपियन ट्यूब के बारे में, अगर साल्पिंजाइटिस हाइड्रोसाल्पिंग्स है या पायोसिल्पिंग्स है, जब तक हमें नहीं मालूम होगा इसके बारे में तब तक हम सही इलाज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें टीवीएस करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला कंडीशन पाउच ऑफ डगलस में, इसमें कोई फ्लूड का कलेक्शन हुई है कि नहीं, इसके लिए भी सही सही जानकारी हमें पाउच ऑफ डगलस के लिए हमें ये टीवीएस करना पड़ता है। तो टीवीएस के लिए आप देख लिए, और प्लस कभी कभी जैसे ट्रांस यहाँ पर जो भेजाना में भेजाना से लेकर के और यहाँ फिस्चुला हो जाती है, जो फिस्चुला डेवलप कर जाती है वेजिकोवेजाइनल फिस्चुला, इसके लिए भी हमें जानना पड़ता है टीवीएस के लिए। इसके बाद हिस्टेरोवेजाइनल फिस्चुला, इलेक्ट्रोवेजाइनल फिस्चुला, कई तरह का फिस्चुला हो सकता है,
रेक्टम से भेजाना की तरफ, भेजाना से लेकर ब्लैडर की तरफ, भेजाना से लेकर के यूट्रस की तरफ। तो ये जो फिस्टुला जो होती है इसको भी जानने के लिए हमें TVS कराना पड़ता है, ट्रांसवेजल सोनोग्राफी करना पड़ता है। देखिए तो हम क्या बताएं आपको हम कि कई बीमारी ऐसे होते हैं जिसके पड़ता है और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें जानकारी नहीं होगी सही सही। यही है मेरा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। और हम बता दिए इसको करने का तरीका, भेजाना के रास्ते से हम लोग ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट करके और इसके सारे डिजिट को हम पता लगा लेते हैं। ये था TVS, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।